चलो जब दुनिया सोता है ना तो एशिया टेलीकॉम जगता है। अच्छा टेलीकॉम में, हाँ तो ये जगना भी चाहिए। हाँ सर, क्योंकि जितना जरूरत से ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आप रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कॉयल कितने भी प्रकार हो, ट्रेसिंग आपकी पैलर हो या सीरीज हो, रिंगर सेक्शन, स्पीकर सेक्शन और बीबैट और बैटरी सेक्शन, ये पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बैटरी एरर निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ तो खड़े कर बताओ, आप निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, क्या चीज दिखाई देती है? तीन चीज बताइए, क्या क्या दिखाई देता है? तीन चीज क्या दिखाई देती है? और उधर तीन चीज क्या और मिलती है? माइनस एनसी। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्पीकर सेक्शन में आपको रिसीवर, सो उधर तीन चीजें क्या देखोगे मेन? पहले देखेंगे सर कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर उसके उसकी रीडिंग देखेंगे, उसकी कंटिन्यूटी, फिर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग बन जाएगी? ट्रेसिंग बन जाएगी सर। कहाँ तक? आईसी तक भी? एमपी के में ऑडियो आईसी कहाँ लगी होती है, सबको पता है कि नहीं पता है? चलो ठीक है, बाकी पावर आईसी में, पावर आईसी का नंबर क्या होता है? और आईफोन की पावर आईसी का नंबर बताओ? 338S। कैसा लगा आपको यहाँ पे? सर यहाँ जब हम आ रहे थे ऐसा लगा था, घबराहट हो रही थी कि क्या होंगे, पैसे चले जाएंगे या रुक जाएंगे, फिर जब आए तो ऐसा लगा कि और पैसे दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप सही लग रहा है यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत, पाकिस्तान जा सकते थे, यूएई विदेश जा सकते थे, है ना, चाइना जा सकते थे, और इंडिया में मुझे क्यों चुना? रीजन सर यूट्यूब से आपका वीडियो देखा। हाँ बहुत सारी वीडियो डले हुए उधर, फिर मुझे ही क्यों देखा? और सर मैं और कुछ वीडियो देखा कि आपका वीडियो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं डिसाइड किया आपके पास। आपने ऐसे वीडियो भी तो देखे होंगे ना, हमारे स्टूडेंट के रिव्यू वीडियो जो अभी आप दे रहे हो, रिव्यू वीडियो देखे तो अभी आप खुद दे रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? खुद खड़े होकर आपको दे रहे हो यहाँ पर, ये सारी चीजें आपने नॉलेज ली है कि नहीं ली है, कि सिर्फ किताबी ज्ञान है लिखवाया? क्या कॉपी किताब पेन लाएंगे आप लोग यहाँ पर? कॉपी किताब पेन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? प्रैक्टिकली आपको मैंने, आपने खुद नोट्स बनाए अपने, वो भी कब? रात में बैठ के बनाए कि नहीं बनाए? रात में बैठ के। बी टाइम तो कैसे पता करोगे कि बी एस आई कौन सा है और बी टाइम कौन सा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि बी एस आई कौन सा है और B-time? अगर मैं बोलता हूँ आपके पास कोई बैटरी एरर आ रहा है तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एक आपने बनाया भी था यहाँ पर। सो बैटरी एरर में जो सीरीज कंपोनेंट क्या क्या लगे मिलते हैं आपको? आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आपको आईफोन में पीवी चलाना, सर्किट डायग्राम पढ़ना आया कि नहीं आया? आईफोन अगर मैं दे दूं और मैं बोलूं उसको ट्रेस करो तो ट्रेस कर लोगे कि नहीं कर लोगे आईफोन? और अभी अभी के में और पहले के में कितना अंतर है आप में? सर बहुत अंतर है। नॉलेज मिला कि नहीं मिला आपको? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का अंतर है, तो मतलब आपका जो डिसीजन है यहाँ आने का वो सही है कि नहीं है? बेस्ट है। प्लस टू करके रखी है क्या? वाकई में आप बताओ, जितना मैंने पढ़ाया क्या यहाँ पे पढ़ाई यूज हुई है कि नहीं हुई है यहाँ पर? प्रैक्टिकल कराया। मतलब मैं बताऊं, बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं स्कूल गया ही नहीं हूं, क्या मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं? आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं? तो साहिल आप फ्रेशर हो, आपको कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड या पीसीबी में कोई कंपोनेंट दिखाऊं तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ये ऐसे ही वीडियो में तो नहीं बोल रहे हैं आप? बता दोगे ना? अभी हमारी टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पर बताइए? 11 to 5। अब हमारी टाइमिंग क्या होने वाली बताइए? एजन बोली 8 बजे से 5 बजे तक, 8 to 5, जिसमें हम इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल, मेरे साथ में 28 जुलाई का बैच, और यहाँ पर नहीं, ये वीडियो आप ही लोग के लिए, ये आदत है ना, तो यहाँ पर मेरे साथ में 28 जुलाई का बैच और मेरे साथ में आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। यहाँ पर हम बात करें 4 दिन का आउटपुट, सिर्फ 4 दिन की बात करेंगे जो सीखे हैं। सो जब 4 दिन पहले आए थे तो आप सच बताओ, आपको कुछ पता था कि नहीं पता था? कुछ पता था क्या? ऐसा कन्फ्यूज लग रहा था कि नहीं लग रहा था कि सीख पाएंगे कि? पहले दिन पैसा लग रहा था, क्या लग रहा था आपको, क्या अपडेट लग रहा था? सर यही लग रहा था कि क्या बताया, एक महीने में सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। भाई अब क्या लग रहा है? अब तो सर शायद हो गया है। आपको, अब मैं आपको बताऊं कि आप रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कॉयल कितने भी प्रकार हो, ट्रेसिंग आपकी पैलर हो या सीरीज हो, रिंगर सेक्शन, स्पीकर सेक्शन और बीबैट और बैटरी सेक्शन, ये पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बैटरी एरर निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ तो खड़े कर बताओ, आप निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, सबसे पहले हम एक, आपका नाम क्या है? श्रीकांत। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद। आप ये बताइए रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं?
छह प्रकार कौन कौन से बोलो? नॉर्मल रजिस्टर, हाँ, फ्यूज रजिस्टर, हाँ, कोड रजिस्टर, कोड रजिस्टर, पैकेज और थर्मिस्टर, वीडीआर। चलो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जान जान के बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सो अब मैं आपसे पूछा हूँ कौन से रजिस्टर पर जंपर मार सकते हैं? नॉर्मल रजिस्टर पर मार सकते हैं। पैरेलल नहीं, पैरेलल चेक करना आता है कि नहीं आता है? और फ्यूज रजिस्टर पर जंपर मार सकते हैं क्या? नहीं। और कोड रजिस्टर पर जंपर मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। सारे रजिस्टर चेक करना आता है। तीन क्या फॉल्ट आते हैं रजिस्टर में? लीकेज, ओपन, शॉर्ट। लीकेज क्या फॉल्ट होता है? लीकेज आप सबको बन गया है कि नहीं बन गया है? क्योंकि बहुत से लोग लीकेज रजिस्टर को चेक नहीं कर पाते। लीकेज रजिस्टर अगर ओपन नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है। बताया ना आपको, क्या आपको बताया कि नहीं बताया? अगर मैं आपसे पूछूं रजिस्टर शॉर्ट होता है क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से क्या रहता है? शॉर्ट रहता है मेरे भाई रजिस्टर। सो रजिस्टर ओपन होता है। अगर रजिस्टर ओपन होगा तो क्या होगा? कुछ भी रीडिंग। रजिस्टर कितनी वैल्यू का होता है? दो वैल्यू में होता है ना, एक LVR और एक HVR, अलग अलग वैल्यू का। दो वैल्यू का, दो वैल्यू 50 ओम से। तो रजिस्टर कहीं भी लगा होगा चेक कर लेंगे आप? आप अगर मैं आपसे और भी बाकी कॉम्पोनेंट चेक कर लेंगे आप? ट्रेसिंग आपसे बनेगी कि नहीं बनेगी? कंटिन्यूटी, और उसको और आसान कर दिया मैंने आपको। चप्पल जीजा साले। चलिए और आप बात करते हैं यहाँ पर। सो हम बात करेंगे, एक एक आईसीओ का नॉलेज लेंगे कि एक एक आईसी की, एक एक मोबाइल का आईसी बता देंगे कि क्या है। सो चलिए अगर हम बात करते हैं आपसे कि मुझे बताइए कैसा रहा आपका यहाँ का चार दिन का, क्या फील किया था चार दिन? पहले दिन क्या फील किया था, चार चौथे दिन के बाद क्या फील हो रहा है? पहले दिन आते ही सब लोग क्या, थोड़े बंदे थे, ये देख के वो देख के वो ऐसा है ऐसा है, मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर देगा। जो भी है मैं आया डेमो क्लास लिए के बाद डिसीजन ले लेंगे बोल के समझा। डेमो क्लास लिया मेरा बहुत परफेक्ट, और डेमो क्लास थोड़े लोग तो डेमो क्लास में मैं बहुत सीख गया बोल के चले गए इस वाले। उन लोगों को और पता नहीं है और तुम क्या सिखाते हो उन लोगों को नहीं मालूम। उन लोग जब घर क्यों जाते ना, अरे मैं ये नहीं सीख पाया, हम जब हमारे को कॉल करके पूछते हो ना तुमने क्या क्या बोला सारा। अच्छा, जब मालूम होता उनको तो उनको सर पकड़ लिया उनने, ऐसा हुआ क्या? अरे बंदा ने बोला सर यहाँ से निकल गए, जब मेरे मिलके बोला मैं उन्होंने छेड़ा सबको। हाँ। पर उन्होंने मैं तो मिस हो गया। हाँ। सार का क्लास दो डेमो लिया। हाँ। मैं मिस हो गया बल्कि बहुत, अब उनको पछतावा हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, के लिए ताली बजाइए इन्होंने चार प्रकार के बताया। आप, आपका नाम क्या है? मिश्रा दीपेन गुप्ता। कहाँ से आए आप? फ्रॉम शहडोल मध्य प्रदेश। आप ये बताओ कि इन्होंने जो जितने भी प्रकार के रजिस्टर बताया सब सही बताया इन्होंने, तो आप मुझे बताइए कि थर्मिस्टर कहाँ कहाँ लगा होता है? पावर सेक्शन, हाँ, चार्जिंग सेक्शन, हाँ, और नेटवर्क सेक्शन। अगर VDR कहाँ लगा होता है? बैटरी सेक्शन में, और दूसरा दोनों सेक्शन में, बाकी सारे रजिस्टर चेक करना आ जाते हैं आपसे। अच्छा, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब क्या होता है? सर उसमें प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है। ये कहाँ सबसे ज्यादा लगे होते हैं? पावर आईसी के पास लगे, सारे सेक्शन में लगे, सारे सेक्शन में लगे होते हैं। अगर मैं इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है सर? इसमें तो पहले माइनस प्लस होता है। हाँ बताइए, इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है? शॉर्ट होता है और लीकेज होता है। ओपन होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये पहले से, ये पैरेलल सबसे ज्यादा सीरीज, पैरेलल सीरीज आती है समझ में? हाँ सर, पैरेलल सीरीज में बहुत कंफ्यूजन रहता होगा पहले कि क्या पैरेलल और क्या सीरीज होता है। सो ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चीज दिखाई देती है? तीन चीज बताइए, क्या क्या दिखाई देता है? तीन चीज क्या दिखाई देती है? और उधर तीन चीज क्या और मिलती है? माइनस NC, समझ में आ रहा है? तीन क्या फॉल्ट होते हैं बताइए? शॉर्ट, लीकेज और ओपन। सो सर कैपेसिटर खाली शॉर्ट और लीकेज, तो शॉर्ट तो सब ढूंढ लेते हैं कि बीप आती है, लीकेज कोई ढूंढ? आप ढूंढ लेंगे कि नहीं ढूंढ लेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे आपको कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा, मतलब क्या सोच के आए थे? यही चीज सोच के आए थे, डिसाइड करके आए थे मुझे करना ही है। हाँ, तो अभी आपने पहले दिन और अब के में क्या फर्क है? अभी भी बहुत फर्क है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? सर अविनाश चौहान, भोपाल से। भोपाल से है। आप ये बताइए डायोड कितने प्रकार के होते हैं? डायोड तीन प्रकार के होते हैं, नॉर्मल, जियाना, LED। अच्छा ये बताओ कि जो डायोड होता है वो सीरीज और पैरेलल में क्या क्या काम करता है?
डायोड अपना नॉर्मल सीरीज में होता है, लाइट सेक्शन में सीरीज में होता है। वेरी गुड। मतलब सर एसी से डीसी बदलना है तो सीरीज में, और अगर प्रोटेक्शन करना है तो प्रोटेक्शन करना है तो पैलर पैलर में। तो ये कहाँ कहाँ लगे होते हैं? ये पैलर पूरे बोर्ड में लगे, पूरे बोर्ड में लगे। अगर आपको सीरीज चाहिए तो वो लाइट सेक्शन में, लाइट सेक्शन। अच्छा ये बताओ कि चार्जिंग में भी लगे मिल सकते हैं, तो अगर ये बताओ कि चेक करना आ जाएगा आपको किसी भी डायोड को? चेक करना आ जाएगा। क्या तीन फॉल्ट आते हैं? लीकेज, एक लीकेज हो गया, एक शॉर्ट हो गया और एक ओपन। तो ये सारी जो बातें आप बोल रहे हो ये रट्टी हुई तो बातें नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। पैटिकल आपने चेक किए ना यहाँ पर? तो किसी भी फोन में आप ये कंप्लेंट चेक कर लोगे, देखते से पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि डायोड तो लीकेज भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर? लोगों को लीकेज पता नहीं रहता यहाँ पर, हमें पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्पीकर सेक्शन में आपको रिसीवर, सो उधर तीन चीजें क्या देखोगे मेन? पहले देखेंगे सर कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर उसके उसकी रीडिंग देखेंगे, उसकी कंटिन्यूटी, फिर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग बन जाएगी? ट्रेसिंग बन जाएगी सर। कहाँ तक? आईसी तक भी? एमटी के में ऑडियो आईसी कहाँ लगी होती है सबको पता है कि नहीं पता है? चलो ठीक है, बाकी पावर आईसी में, पावर आईसी का नंबर क्या होता है? और आईफोन की पावर आईसी का नंबर बताओ? 338S। हाँ क्या होता है बताइए? 338S। अच्छा ये बताते हैं, चलिए कैसा लगा आपको यहाँ पे? सर यहाँ जब हम आ रहे थे ऐसा लगा था, घबराहट हो रही थी कि क्या होंगे, पैसे चले जाएंगे या रुक जाएंगे, फिर जब आए तो ऐसा लगा कि और पैसे दे रहे हैं। अच्छा तो मतलब आप सही लग रहा है यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, जो सोच के आए थे वो मिला आपको? सर मिला। चलिए थैंक यू वेरी मच, इनके ताली बजाइए। तो यहाँ पर हमारे पास एक बांग्लादेश से स्टूडेंट आया है, सो आप कहाँ से हैं? मैं बांग्लादेश से आया, मेरा नाम मेहदी हसन है। मेहदी हसन, आपका इंडिया में कोई रहता है क्या आपके यहाँ? नहीं नहीं सर। आप डायरेक्ट बांग्लादेश जाएंगे इसके बाद में? अच्छा ये बताइए, इससे पहले बता दो दोस्तों हमारे पास लंदन से आया था स्टूडेंट जॉन मोसेस, जिसको आपने बताया जो एमसी बैच में अभी हमारे। तो मेहदी आप ये बताइए कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पीएनपी और एनपीएन। अच्छा ट्रांजिस्टर हमारे फोन में क्या काम कर रहे हैं? और रेगुलेटिंग, अगर मैं आपसे पूछूं आपको एनपीएन और पीएनपी दोनों चेक करना आते हैं कि नहीं आते हैं? आ जाएंगे। ट्रांजिस्टर में तीन क्या फॉल्ट आते हैं? और ओपन और शॉर्ट और लीकेज। और ये ट्रांजिस्टर के अंदर लगा क्या होता है, उसके अंदर होते क्या है? और डायोड होते हैं, तो इसलिए वो तीन फॉल्ट आते हैं, वो शॉर्ट भी होता है, ओपन भी होता है और लीकेज भी होता है। सो ट्रांजिस्टर लगे किधर होते हैं? और चार्जिंग सेक्शन और पावर आईसी के सेक्शन, पावर आईसी के पास। बाकी अभी के फोन में ट्रांजिस्टर ना के बराबर लगे होते हैं। सो ये हमारे स्टूडेंट बांग्लादेश से, इंडिया को क्यों चुना? पाकिस्तान जा सकते थे, यूएई विदेश जा सकते थे, है ना, चाइना जा सकते थे, और इंडिया में मुझे क्यों चुना? रीजन सर यूट्यूब से आपका वीडियो देखा। हाँ बहुत सारी वीडियो डले हुए उधर, फिर मुझे ही क्यों देखा? और सर मैं और कुछ वीडियो देखा कि आपका वीडियो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं डिसाइड किया आपके पास। आपने ऐसे वीडियो भी तो देखे होंगे ना, हमारे स्टूडेंट के रिव्यू वीडियो जो अभी आप दे रहे हो, रिव्यू वीडियो देखे। तो अभी आप खुद दे रहे हो तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? खुद खड़े होकर आपको दे रहे हो यहाँ पर, ये सारी चीजें आपने नॉलेज ली है कि नहीं ली है, कि सिर्फ किताबी ज्ञान है लिखवाया? क्या कॉपी किताब पेन लाएंगे आप लोग यहाँ पर? कॉपी किताब पेन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? प्रैक्टिकली आपको मैंने, आपने खुद नोट्स बनाए अपने, वो भी कब? रात में बैठ के बनाए कि नहीं बनाए? रात में बैठ के। सो बताइए तो आपको मतलब यहाँ आने का चुनाव जो था इतनी दूर से, वो सही है कि नहीं है? सही है सर। सही है, क्योंकि मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इतने के बाद भी ये गए नहीं, है ना, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो गए थे बहुत से लोग, क्योंकि उसके बाद में गए नहीं। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए तारीफ हो जाए। तो यहाँ पीछे से एक स्टूडेंट उठाएंगे, आओ, क्या नाम है आपका? मनसा। मनसा, आप कहाँ से हो? ओडिशा। आप कॉइल के चार प्रकार बताओ? मैं यहाँ पर एजेंट कॉल कराना चाहूंगा, आप हो जाओ, आप इनके साथ में। आप ये बताओ कौन से कॉइल सीरीज में होते हैं, कौन से कॉइल पैरेलल में, मतलब कौन से कॉइल सीरीज में मिलेंगे? कपलर। अगर बहुत इन्होंने सही बताया, अच्छा बताओ आप बताइए कॉइल में क्या क्या फॉल्ट आता है? लीकेज, ओपन। अगर लीकेज हुआ तो क्या, अगर ओपन हुआ तो क्या, मतलब सही होगा तो क्या होगा उसमें? बीप आएगा। सही नहीं हुआ तो बीप नहीं, और अगर लीकेज हुआ तो पता कर लेंगे यहाँ पर? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ पर मेरे सारे स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दास, छत्तीसगढ़। आप ये बताइए कि इन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट, एटलीस्ट हमने सारे कंपोनेंट ले लिए, हमने कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल, सारे कंपोनेंट ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डुअल कॉइल कहाँ लगे मिलेंगे? डुअल कॉइल कैमरे के सेंसर में मिलेंगे और
और डिस्प्ले के डिस्प्ले सेक्शन में। और डुअल कॉइल अगर मैं बोलता हूँ दोनों पोर्ट उखड़ गए तो फिर क्या होगा? तो कौन सी आईसी से आएंगे वो? सीपीयू आईसी से आएंगे। सो मतलब सर हमें फिर सीपीयू से माइक्रो जंपिंग करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? तरुण। कहाँ से? पंजाब से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैटरी करेक्टर में, बैटरी में कितने पॉइंट होते हैं? बैटरी में तीन भी हो सकते हैं, चार, इवन दो भी हो सकते हैं। जैसे J7 प्राइम में कितने होते हैं? दो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि सैमसंग में कितने हो सकते हैं? चार। अगर चार हुए सैमसंग में तो उसके क्या क्या होंगे बताइए? अगर मान लीजिए एंड्रॉइड हुआ तो क्या होगा? जैसे MI का होगा तो क्या होगा? MI का होगा चार वाला, BTM। तो कैसे पता करोगे कि BSI कौन सा है और BTM कौन सा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि BSI कौन सा है और BTM? अगर मैं बोलता हूँ आपके पास कोई बैटरी एरर आ रहा है तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एक आपने बनाया भी था यहाँ पर। सो बैटरी एरर में जो सीरीज कॉम्पोनेंट क्या क्या लगे मिलते हैं आपको ये बताइए? और कॉइल। अगर पैरेलल में क्या क्या मिलेगी आपको? कैपेसिटर और डायोड और एक रजिस्टर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अच्छा आईफोन के BSI क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज सबसे पूछ रहा हूँ कि आपको आईफोन में PV चलाना, सर्किट डायग्राम पढ़ना आया कि नहीं आया? आईफोन अगर मैं दे दूं और मैं बोलूं उसको ट्रेस करो तो ट्रेस कर लोगे कि नहीं कर लोगे आईफोन? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको पंजाब से? बहुत अच्छा लगा, पहले आया था, 4 महीने से मैं आपकी वेट कर रहा था। हाँ आप सर बताओ, आप इतनी वेट करके आते हो इतनी दूर से, तो जब आप पहले दिन आते हो तो आपका दिमाग अलग बदल जाता है, जबकि 4 महीने क्या रहता है, 4 महीने से है ना, कंफ्यूजन रहती है, पता नहीं क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और अभी के में और पहले के में कितना अंतर है आप में? सर बहुत अंतर है। नॉलेज मिला कि नहीं मिला आपको? बस बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का अंतर है, तो मतलब आपका जो डिसीजन है यहाँ आने का वो सही है कि नहीं है? बेस्ट है। राज्य सर का सपोर्ट क्या मिला आप लोगों को बताइए? कौन बताएगा, एक जन बता दो, खड़े हो गए कोई भी? चलो जब दुनिया सोता है ना तो एशिया टेलीकॉम जगता है। अच्छा टेलीकॉम, हाँ तो ये जगना भी चाहिए। हाँ सर, क्योंकि जितना जरूरत से ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे, है ना। तो मोहम्मद अली क्या बोलता है कि मैं जब लड़ता हूँ, मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा अपोनेंट भी करता है, पर जब मेरा अपोनेंट सो जाता है तब मैं तब भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और यही रीजन है कि जब वो 3 मुक्के मारता है तब तक मैं 4 मार चुका होता हूँ और वो गिर जाता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, क्यों? सो हमें यहाँ पर सोना नहीं है, हार्डवर्क। अच्छा यहाँ पर अगर ऐसे लड़के आए, आप इधर आ जाओ थोड़ा, अगर ऐसे लड़के आए जो हार्डवर्क बिल्कुल जानते ही नहीं है, जो बिल्कुल सोने के आदि हैं, तो वो क्या होगा बताइए? सर वो तो भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? क्योंकि उनको हार्डवर्क की इच्छा नहीं होगी, उनको चाहिए 1 घंटे की क्लास, हर उनको चाहिए 3 महीने वाली क्लास। अच्छा बताओ सच बताओ, क्या मैं आप 3 महीने वाला इंस्टीट्यूट क्यों नहीं गए? सच बताओ। सर मैं कहीं नहीं गया कि 4 महीने से मैं सच बताओ रीजन क्यों नहीं गए? क्योंकि आप ऑलरेडी शॉप छोड़ कर आए हो। आप में से कितने टेक्नीशियन है जो कुछ सालों से काम कर रहे हैं? हाथ उठाइए, राइज योर हैंड। ये देखो बहुत सारे टेक्नीशियन है जो प्रोफेशनल है, और जितने हैं जो जीरो लेवल पे हैं, जो फ्रेशर हैं बिल्कुल, वो हाथ उठाओ। मैं फ्रेशर वाले से पूछना चाहता हूँ, देखो फ्रेशर भी बहुत सारे हैं, आप लोग मुझे बताओ, सिर्फ फ्रेशर वाले, क्या आपको सारे तरह के कॉम्पोनेंट प्रैक्टिकली चेक करना आते हैं कि नहीं आते? हाथ उठा के बताओ फ्रेशर वाले। आजा आप उठी, क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल आप कहाँ से? थैंक यू वेरी मच, इंग्लिश जोरदार ताली बजा दीजिए। साहिल आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से, तो साहिल दिल्ली से में रहना था, जलपुर क्यों आए? जल्दी बताओ, ले आए हम, ले आए, ले आए। आप ये बताओ कि क्या रहा 3 दिन में, क्या रहा 4 दिन? आप फ्रेशर हो बिल्कुल, क्या करते थे पहले? सर मैं दूध वगैरह काम करता था। मतलब आपका एक अलग बिजनेस था, मतलब आप एक अलग बिजनेस में आ गए। और आपने कितनी पढ़ाई की है? प्लस टू करके रखी है। क्या वाकई में आप बताओ, जितना मैंने पढ़ाया क्या यहाँ पे पढ़ाई यूज हुई है कि नहीं हुई है? यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया। मतलब मैं बताऊँ, बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं स्कूल गया ही नहीं हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? तो साहिल आप फ्रेशर हो, आपको कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड या PCB में कोई कंपोनेंट दिखाऊं तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते?
ये ऐसे ही वीडियो पे तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, बता दो, बता दोगे ना? चलिए ठीक है ठीक है, इनके लिए कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बहुत जोर था, थैंक यू वेरी मच। तो यही कहना चाहूँगा, इसी तरह जुड़े रहे, ये हमारा हर महीने का इसी तरह का वीडियो बनता है दोस्तों। ये मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि चार दिन में एक्चुअल में हमने कुछ सिखाया है कि भी नहीं है। सो ये मैं सर बताऊँ, क्या आपको लगता है ये फेक वीडियो है? नहीं। तो राजेश सर हमारे साथ में यहाँ पे थोड़े स्माइल के साथ में, राजेश सर आइए। राजेश सर इनकी मेहनत के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बताइए, क्योंकि बहुत सारी क्लास पढ़ाते हो आप, अलग अलग बैच पढ़ाते हो, अलग अलग बैच मिलती है हमें और अलग अलग तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। कुछ बैच जिसमें स्टूडेंट बहुत अच्छे आ जाते हैं, ये जो मेहनती होते हैं कि जब हम जाते हैं पढ़ाते हैं तो वो उसी तरह से हमें वो आउटपुट भी देते हैं। और कोई बैच ऐसी मिल जाती है, कोई स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं कि जो हार्डवर्क नहीं करना चाहते, एक घंटे की क्लास के बाद सो जाते हैं, तो ऐसे में इच्छा नहीं होती। लेकिन अभी ये जो बैच है तो वाकई में बहुत ही बेस्ट बैच हमें मिली है, इसके लिए आप सबको थैंक यू। और अब से मैं जाते जाते एक नया अपडेट करना चाहता हूँ कि अभी हमारा नया क्लास चालू हो गया है, जो अब से हमारी जो टाइमिंग है, अभी हमारी टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पर बताइए? 11 to 5। अब हमारी टाइमिंग क्या होने वाली बताइए? एजन बोलिए, 8 बजे से 5 बजे तक, 8 to 5, जिसमें हमारे एक और एक चांद का टुकड़ा हमारे साथ में कनेक्ट हो चुका है और एक नई क्लास बनने वाली है, हम इसको बहुत जल्दी यूट्यूब में ऑफिशियली आपको शो करेंगे। और इसी के साथ जाते जाते दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो लाल बटन दबा देना, और अगर आपको यहाँ पे पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लेना, SMS कर लेना, हालांकि उठाया तो नहीं जाएगा, उठा लेंगे। पर किन लोगों का नंबर नहीं उठाया गया सच बताओ, किन लोगों का बहुत दिक्कत हुई यहाँ आने में? सर मेरा तो कैंसिल हो गया था। आपका कैंसिल क्यों हो गया था? सर मैंने वो कुछ मतलब सर जो चीज आप ये लोग जो लाए ना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ही पढ़कर आए, सच बताए। सो अब आप बताइए, अब आपका क्या है, बिल्डिंग को देख के कुछ लगता है क्या आपको? बिल्डिंग को देख के ऐसा लगता है कि यही रह ले आप, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप दोस्तों आप बहुत अपडेट होने वाला है इसे टेलीकॉम, और सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास देगा, 8 से 12 जो हम यहाँ पे क्लास देंगे वो आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली। नई लैब जल्दी स्टार्ट होने वाली, जिसको राजेश सर के चैनल में और हमारे चैनल में और मेरे ये अलग है देवदन अग्रवाल। राजेश सर आपका चैनल का नाम बताइए? मौत का मंजर लाला डेंजर। और अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे बहुत सारे वीडियो इनके में आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपडेट होना चाहना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मौत का मंजर लाला डेंजर, और मेरा चैनल है देवदन अग्रवाल टेलीकॉम, और एक मेरा ऑफिशियल चैनल जिसमें आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और यही चाहूंगा कि सिर्फ मेहनत से ही फल मिलता है, जब तक हाथ नहीं बढ़ाओगे फल भी नहीं टूटेगा। ये सोचोगे कि अपने आप नीचे गिर जाए तो फिर वो बासी या फिर वो बेकार ही फल होगा, या तो कीचड़ से उठाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ जाते जाते देखो दिल से बोला कि नहीं बोला है ना, आप लोग ने सोचा होगा कि स्टूडेंट क्यों बोलते हैं। तो इसके साथ जाते जाते इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे, ना कि फेक।
वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना होगी, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब चलिए भी बोलते घास में बोलना है क्या ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा है हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, उसके बाद टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ कि मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972.
Download mobile free recording Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.